ये पूरी खबर बरेली उत्तर प्रदेश से है। एक पंचायत के दौरान हिंसक वारदात हो गई, जिसमें आपको बता दें दो लोगों की गोली चलने से जान चली गई, आधा दर्जन लोग घायल हो चुके। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरेली गांव में पति पत्नी में विवाद हो गया। पंचायत के दौरान ये घटना हुई थी। आपको बता दें कि लड़के पक्ष ने अंधाधुंध गोली चला दी। तस्वीर में आपको दिखा जा देख भी सकते हैं, जिसमें लड़की के पिता और चाचा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस ने आला अधिकारी कई थानों को पुलिस फोर्स पहुंचाई, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। प्राइम देखिए न्यूज चैनल के लिए सुशील चंद वर्मा, बरेली उत्तर प्रदेश। थाना नवाबगंज के जरेली गांव में पति पत्नी के विवाद में लड़का और लड़की पक्ष के दो पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों लड़का लड़की पक्ष का जो घर है वो 50 मीटर की दूरी पर है, और इसमें जो लड़के पक्ष के द्वारा इसमें लड़की पक्ष के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें कि छर्रे लगने से लड़की के पिता और लड़की के पिता के भाई हैदर अली और गुलशन अली की मृत्यु हो गई है, और बाकी जो इसमें दो महिलाएं घायल हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई भी चल रही है। जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।